गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट दिस इज आवर बुक नेम इज फ्यूचर स्टेप एंड वी विल रीड चैप्टर नंबर टू हाउ द कैमल गॉट इट्स कैमल को अपना हम्प कैसे मिला ओके हम्प जो कैमल की पीठ पे होता है उठा हुआ जो भाग होता है जिसको हम लोग हिंदी में कुवड़ कहते हैं वो उसको कैसे मिला लेट्स ही रीड द स्टोरी अबाउट हाउ कैमल गॉट इट्स हम लेट्स स्टार्ट Long long ago, when the world was new, and animal had just begun to work for man, there lived लिव द कैमल इन डेजर्ट बहुत बहुत समय पहले की बात है जब ये वर्ड्स नया नया था और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था तो एक कैमल एक डेजर्ट में रहता था इट वॉज ए लेजी फैलो वो बहुत ही लेजी था एंड डिड नाट वॉन्ट टू वर्क कोई काम करना नहीं चाहता था एज यू नो द डेजर्ट हैज़ नथिंग बट सेंड जैसा कि आप जानते हो कि डेजर्ट में कुछ नहीं होता बस सेंड ही होती है द कैमल एट ऑल डे कैमल सारे दिन खाता रहता था ही ऐट थ्रोन एंड स्टिक एंड वॉट एवर ही कुड गेट वो थ्रोन्स खाता था स्टिक खाता था जो भी उसको मिल जाता था वो उसको खाता रहता था ही चुस्ट कैक्टर्स स्टैम टू मस्ट हिस्ट्रॉट वो कैक्टस के स्टेम खाता था कैक्टस मतलब काटो के स्टेम होता है जिसके अंदर थोड़ा सा पानी रहता है तो उसको खाता था ताकि उसका जो गला है वो गीला रहे सम टाइम ही वर्कड टू द एज ऑफ द डेजर्ट और कभी कभी वो डेजर्ट के किनारे चला जाता था यानी कि घूम के इस किनारे से उस किनारे चले जाता था वेयर द ग्रास वॉज ग्रीन जहाँ पे ग्रास होती थी एंड जूसर ग्रीन और जूसी ग्रास होती थी उसको खाने के लिए वो कभी कभी चला जाता था वे द माइट बबुआ ग्रू जहाँ पे बबुआ ग्रू होते थे वहाँ चला जाता है बबोआ एक तरीके का ट्री होता है ओके एंड ही हैड फीस्ट डैट एज ही लव द फ्रूट ऑफ द बबुआ ट्री और उस दिन तो उसकी पार्टी हो जाती थी जिस दिन उसको भबुआ ट्री के फ्रूट मिल जाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम ही सैड ब्लो एंड ड्यून एंड इफ एनी क्रिएचर स्पोक टू हिम ही जस्ट सेड हम मोस्टली uh, उसका टाइम खा के वो क्या करता था एक uh, बड़े से रेत के टीले के नीचे बैठ जाता था और कोई भी क्रिएचर उससे आके कुछ बोलता तो वो उसको बोल देता हम ओके वन फाइन मॉर्निंग ए हॉर्स कैम टू हिम एंड सेड गुड मॉर्निंग मिस्टर ऑल वाइट एक दिन अच्छी सुबह थी और एक हॉर्स उसके पास में आया और बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर कैमर आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो प्लेस कम एंड लिव लाइक रेस्ट ऑफ अस उसे कहा हमारे साथ आओ और हमारे जैसे ही रहो हमारे जैसे रेस्ट करो द कैमल ओपन इज स्लीपे आइज एंड सैड हम कोमल ने अपने कैमल uh, ने अपनी स्लीपी आइज को ओपन किया मतलब नींद में था और अपनी आंखों को ओपन किया और बोला हम्प सो दॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन तब हॉर्स चला गया और उसने मैन को बताया नेक्स्ट डे ए डॉग कैम्प एंड टोल द कैमल नेक्स्ट डे फिर एक डॉग उसके पास आया उसने कैमल को बताया लुक वट आई डू फॉर मैन ही थ्रोज ए स्टिक एंड आई ब्रिंग इट बैक टू हिम उस जगह देखो मैं मैन uh, के लिए क्या करता हूँ मैन एक स्टिक को फेंकता है फिर मैं उसको वापस उसके लिए लाता हूँ कम विथ मी एंड डू द सेम उस जगह मेरे साथ और तुम भी ऐसा ही करो हम रिप्लाई द कैमल कैमल ने फिर उसको रिप्लाई दे दिया हम दैन एंड ऑक्स कैमट होता कैमल फिर एक ऑक्स कैमल के पास में आता है ही हैड ए योग एन स्नैक योक वो होता है जो गले में जानवरों के पट्टा बांध दिया जाता है इसमें घंटी वगैरह लगी हुई होती है ओ कैमल ऑफ द डेजर्ट सेट द ऑक्स उसने कहा कैमल डेजर्ट की कैमल कम एंड जॉइन विथ मी तो माओ मुझे भी ज्वाइन करो एंड हेल्प मैन टू प्लाउ इज फिर लाइक मी और जो जान जो मैन का जो खेत है उसको प्लाउ करने में उसको जोतने में मेरी, मेरी मदद करो मेरी जैसे ही द कैमल वॉज बाय नाव कैटिंग रे दट इरीटेट फॉर बींग डिस्टर्बिंग सॉफ्ट और कैमल उस सबकी बात सुन सुन के बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गया था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया उसने फिर क्या बोला हम 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 हे सैड एंड दॉ ऐसा कहकर कह अब वो वहाँ से चला गया इन द इवनिंग द मैन कॉल द हॉर्स जब शाम हुई तो मैन ने कह के हॉर्स को बुलाया एंड डॉग एंड द ऑक्स एंड द सैड इन तीनों को बुलाया और बोला सिंध द हम थिंग द डेजर्ट वुड नॉट वर्क ऑल ऑफ यू विल Have to work double time. जो हम नाम का एक चीज है जो डेजर्ट में है वो जब तक काम नहीं करता तो तुम तीनों को ही डबल वर्क करना पड़ेगा दिस मेड ऑल द थ्री वेरी एंग्री और जब मैंने ऐसा कहा तो उस तीनों के तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा या नाराज हो गए दे हैज मीटिंग एट नाइट टू डिसाइड दे आर कोर्स ऑफ एक्शन फिर उस रात को तीनों ने एक मीटिंग बुलाई उन्होंने कहा अब हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा एज ए सेट थिंकिंग जैसे कि वो बैठे सोच रहे थे द जर्नी ऑफ डेजर्ट अपेयर दियर डेजर्ट का जर्नी वहाँ अपेयर हुआ द जिन अपेयर हुआ एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम वाई आर यू सिटिंग सो कम द जर्नी ऑफ डेजर्ट एक्स जैनी यानी जिन ने जो डेजर्ट का जो जिन था उसने पूछा तुम क्या प्रॉब्लम है तुम लोग इतने शांत क्यों बैठे हो द पुअर केचर थॉट ऑफ टेकिंग हेल्प ऑफ जैनी ऑफ डेजर्ट अब जो ये तीनों लोग थे कौन कौन था हॉर्स ऑक्स एंड डॉग अब इन्होंने कहा थोड़ा सा हम लोग जैनी से हेल्प ले सकते हैं ऐसा सोच रहे थे वो उसने कहा ओ डेजर्ट ऑफ ओ जैनी ऑफ डेजर्ट Right कहा क्या ये सही है कोई एक आलसी की जैसे सारा दिन पड़ा रहे Certainly not, replied the chani. Chani ने ऐसा तो सही नहीं है वेल सैर द डॉग देर इज ए क्रेचर इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट विथ लॉन्ग लेग एंड लॉन्ग नेक ही इज वेरी लेजी ही डज नॉट लाइक टू वर्क लाइकस like उसने कहा कि वेल well, एक क्रिएचर है जो डिजर्ट के मिडिल में रहता है उसकी लंबी टांगे हैं लंबी गर्दन है वो बहुत ही लेजी है और वो हम लोगों की जैसे काम नहीं करता है वेरी वेल सर दैनी लेट मी सी इफ आई कैन मेक हिम वर्क लाइक यू ही हैडेड ही रोल्ड हिम सेल्फ इन दिस डस्ट क्लॉक एंड फ्यू अक्रॉस द डेजर्ट टू वेयर द कैमल वॉज रेस्टिंग उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ मतलब ऐसा कुछ करता हूँ कि तुम लोगों के जैसे काम कर सके ऐसा कहकर उसने आपको डस्ट में रोल कर लिया इस तरह से रोल करके वो उस जगह आ गया जहाँ पे जो कैमल है वो रेस्ट कर रहा था माय फ्रेंड सैड द जैनी जैनी ने कहा मेरे अच्छे दोस्त मेरे प्यारे दोस्त वट डू आई हेयर अबाउट मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ यू डोंट वर्क फॉर मैन क्या तुम आदमी के लिए काम नहीं करते हो हम एंड इट वॉज से कैमल कहता था सबको हम्प उसने उसको दिस इज नॉट गुड से जर्नी बिकॉज ऑफ यू दॉर्स एंडस्ट्रा वर्क टू डू ही उसने कहा किड किया उसने बताया कि देखो अगर तुम नहीं काम करते हो तो बेचारे तुम्हारी वजह से द हॉर्स को डॉग को ऑक्स को डबल वर्क करना पड़ रहा, रहा है एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है हम्प कैमल अगेन अगेन ने कैमल ने फिर कहा हम द जर्नी बिकम एग्री रिलाइज डेट इट वुड गेट नो अदर आंसर फ्रॉम द कैमल अब जर्नी को भी गुस्सा आ गया वो समझ गया कि इसके अलावा मुझे कैमल से कोई आंसर नहीं मिलेगा बस ये हम भी कहना जानता है सो ही बिगेन टू अटर सम्रेंज मैजिकल वर्ड एंड वेव हीज मैजिक पेंट उन्होंने क्या उसने क्या किया फिर अपने एक मैजिक वर्ड बोलना शुरू करे जैसे कि जिन वगैरह बोलते थे नहाबरा गढ़ाबरा ऐसा कुछ वर्ड बोलना शुरू किया और अपनी जादुई छड़ी निकाली आई वॉन्ट नीयर सेल्फ डेट टू ऑफ एन यू ही कहा मैं तुम हमेशा ये हम पर कह जा रहे हो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम क्या करो मैन के लिए वर्क करो दिस टाइम आल्सो द कैमल आंसर विद द लाउड हम्प अब इस तरह से क्या किया जब उसने फिर कहा तो कैमल ने फिर जोर से हम्प बोल दिया बट नो सुनर हैड इज सैड देन बैक पफिंग अप एंड अप इन टू ए ग्रेट बिग हम्प लेकिन इस बार जब उसने जोर से हम्प बोला और जैसे उसने हम्प बोला तो उसकी बैक ऐसे पफ हो गई ऐसे उठ गई और उस पर ग्रेट हम्प आ गया डू यू सी डैट द जर्नी कंटिन्यू उसने कहा तुम ये देख रहे हो डैट्स योर वेरी ओन अब ये तुम्हारा खुद का है यू हैव ब्राउट इट अपोन तुम इसको अपने ऊपर रखो बाई यू बींग लेजी अब चाहे तुम लेजी बन के रहो एंड नाव यू आर गोइंग टू हेल्प मैन अब तुम जाओ और आदमी की हेल्प करो बट हाउ कैन आई डू डेट बट मैं कैसे कर सकता हूँ विथ इज़ हु इतने बड़े हम्प को ले कर ऑन माई बैग मेरे पीठ पर इतना बड़ा हम्प तो तुमने डाल दिया मैं इसको ले कर कैसे काम करूँ ओ आई थॉट आई आई गेविन इट हो एज ए पनिशमेंट उसे कह रहा हो मुझे लगता है कि मैंने तुमको पनिशमेंट दे दिया ओके इट विल हेल्प यू वर्क हार्डर एंड बेटर जे का ये तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम वर्ड हार्ड भी कर सको और अच्छा भी कर सको बट हाउ एक्सप्लेन द दैमल ख्यामल ने कहा कैसे कैसे ये मेरी हेल्प करेगा ये वेल सर दानी फ्रॉम नाउ ऑन यू वॉन्ट हैव टू ई ईट एवरी डे उसने कहा अब आज से तुमको डेली कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है यू कैन स्टोर योर फूड इन योर हम्प तुम अपना जो खाना है अपने इस हम स्टोर कर सकते हो एंड देन वर्क फॉर ए वीक विदाउट स्टॉपिंग और बिना रुक के एक सप्ताह तक तुम काम कर सकते हो एंड डोंट यू से आई नाव डिड एनी थिंग फॉर यू और अब तुम ये किसी से नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता सेंग सो द जेनी डिसपेड ऐसा कहकर जेनी डिसपेड हो गया एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड और तब से लेके अब तक द कैमल हैज है ऑन इट्स बैक और कैमल की पीठ पे एक हम्प बना हुआ है okay, ओके तो इस तरह से कैमल को हम्प मिला Okay, goodbye, take care and the, read this chapter 2 and 3 time.